अरे कहाँ निकालेंगा, मेरे को खुद तो नहीं पता यार। सर्दी से बचने का एक ही जुगाड़ है, चाय। और बिस्कुट। देखो भाई, देखो देखो, गूगल कहाँ फंसा दिया मेरे को, कौन से रोड में लाके फंसा दिया गूगल। पता नहीं ये कौन सा एरिया है, मैं कहाँ हूँ मेरे को खुद को नहीं पता, क्योंकि मैं रुक के देखा भी नहीं। इतनी डेंजर, इतनी भयानक रोड, और बोलता है 21 किलोमीटर यहाँ से चलना पड़ेगा। पेट्रोल का भी मसला हो गया, पेट्रोल भी कम हो गया अभी। इतनी ख़तरनाक रोड यार, पूरा पहाड़ी इलाका है ये, पूरा टोटल पहाड़ी इलाका है टोटल। मैं बहुत टाइम से चल रहा हूँ, लेकिन पीछे जो चला हूँ वो रोड बहुत अच्छी थी, लेकिन ये तो बड़ी ख़तरनाक है यार। गाड़ी भगाने का तो कोई चांस ही नहीं है इधर। ऐसी रोड में चलूँगा तो फिर मैं 10 दिन लग जाएंगे मेरे को पहुँचने। खैर तो हो, यहाँ पेट्रोल पम्प है, लेकिन ट्रैफिक फुल है यहाँ पे। फ़ोन पे है कि नहीं इसके पास यार? पता नहीं, चलो सामने देख लेंगे, दूसरा कोई पेट्रोल पंप होगा तो। वैसे यहाँ ट्रैफिक बहुत है, और पेट्रोल भी जो है ना यहाँ पे रोडों पे रख रख के बेच रहे हैं। कौन सा एरिया है ये, क्या है कि यार? रोड देखो यार, रोड देखो खाली, और इलाका देखो, पूरा पहाड़ी पहाड़ी इलाका है पूरा। गूगल तूने अच्छा नहीं किया रे गूगल। मैं जो क्या नाम, बरनपुर वाला जो रूट था ना, वो रूट छोड़ करके ये रूट में आया हूँ, और मेरे को हाईवे मिला था मुंबई वाला, वो भी छोड़ा, क्योंकि गूगल लोकेशन मेरे को इधर भेजा। मेरे को ये रूट के बारे में तो पता ही नहीं है। भैया ख़तरनाक पहाड़ी में चढ़ रही, वो भी ऐसी, इस तरह से अगर पहाड़ी में गाड़ी चलाएंगे, कोई जानवर वगैरह सामने आ जाएगा तो समझो क्या हाल होएगा। देखो पहाड़ी में चल रही है गाड़ी ऊपर, अल्लाह अकबर। देख रहे हो भाई, ये होता है सोलो राइड करने का मजा और टेंशन, दो भी होता है इसमें, मजा भी आता है टेंशन भी होता है। और तुमको कोई बड़ा सिटी नहीं मिलेगा, छोटा छोटा ही गांव मिलेगा। और मैं अभी तक एमपी में ही हूँ, पता है। मैं जैसे मुंबई हाईवे पे जब था तो वो वहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस हो गया, क्योंकि टूल गेट होता है ना, वहाँ लिखा था महाराष्ट्र बॉर्डर शुरू हो गया वहाँ से। ले 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 ले, भैया ये क्या है रे भैया, कौन सी रोड में ला के फंसा दिया रे भैया? अबे कहाँ निकालेंगे, मेरे को खुद को नहीं पता यार, क्योंकि ऐसी एक जगह भी नहीं है जगह जो कि मैं रुक के देख सकूं। अल्लाह ना करे ऐसा कोई जानवर वगैरह आ जाए सामने। वैसे रात में तो बिल्कुल चल नहीं सकते इस रोड पे भाई, बाइक्स वगैरह तो आ रही है सामने से। अरे भैया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे रोड पे अटका दिया रे भाई लाके मेरे को। सुपर बाइक्स भी आ रही है देखो ये रोड पे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामने
सामने थोड़ी अच्छी रोड नज़र आई तो जान में जान आई शाहिर भैया के, वरना हवा टाइट हो रही थी मेरी तो। क्योंकि देखो ना, चारों तरफ यार जंगल ही जंगल है, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है इधर। ये भी उतनी कुछ खास रोड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो चल जाएंगी भाई, ऐसी रहेंगी तो चले जाएंगी। कुत्ते का बच्चा मर गया है एक्सीडेंट होके, बिस्मिल्लाह। ये देखो ये देखो ये देखो, मेरे ख्याल से यहाँ नेटवर्क भी नहीं होगा, कौन सा भी नेटवर्क आता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर ड्रोन रहना चाहिए था मेरे पास तो बहुत मज़ा आता ये जंगल का वीडियो बना के। पूरा खाई है साइड में, पूरा खाई, इधर खाई, ये देखो ये तो बहुत बड़ा खाई है। ये ऊपर चढ़ गया फिर नीचे उतर गया, ये फिर नीचे जा रहा हूँ। ये मेरे को पीछे वाले जंगल से डेंजर वाला जंगल दिखता है ये तो। अरे रे 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 रे, क्या रोड है भाई साहब, भाई साहब ये लो। अरे रे 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 रे, भाई कैसा करेंगे यार, इतना खतरनाक घाटी में उतार दिया मेरे को। अल्लाह अकबर, ये लो और एक टन आ गया, ये खतरनाक वाला ये तो। अरे रे 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 रे, अरे रे रे, किधर घूमेंगे, किधर से घूम के निकालेंगे ये भाई। इससे तो अच्छा इंदौर वाला ही, इंदौर के पास में जो था वही वाला घाटी सही था यार, ये तो बहुत डेंजर वाला है। ये फिर आ गया और एक, पूरा ऐसे घूमते 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 नीचे उतरना है और पहाड़ी के नीचे जा रहा हूँ मैं तो। मेरे पीछे एक बाइक है लेकिन बहुत दूर पर है, मेरे आमने सामने कोई मेरे साथ में कोई नहीं है बाइक है। देखो और एक आ गई। ओए लाला, ये क्या है लाला, लाला तुम कहाँ फंस गया लाला आके। खतरनाक जंगल है भाई, मनचक ब्रेक। अल्लाह, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन जंगल को देख करके बहुत फट रही है भैया हमारी।
वल्लाह एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जंगल को जो है ना, ये जंगल बड़ा ख़तरनाक दिख रहा है मेरे को। रात में बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर सकते बाइक पे, कार में सफ़र कर सकते लेकिन वो भी संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि आड़े टेढ़े रास्ते बहुत है इसमें, आड़े टेढ़े टेढ़े आड़े रास्ते हैं बहुत। ये देखो ये किधर जाएगा और मुड़ेगा इधर। अरे भाई ये और मुड़ेगा इधर। गूगल लोकेशन भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये पहाड़ में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आवाज़ भी नहीं कर रही है गूगल वाली। टोटल नीचे आ गया अब तो मैं, टोटली नीचे, देखो टोटली नीचे, एकदम डाउन में पहाड़ के एकदम ख़तरनाक वाले जंगल वाले रूट में आया हूँ। ये वीडियो मैं स्पेशल डालूँगा भैयो, ये अलग डालूँगा वीडियो। ए का छोटू जंगल में जानवर लेकर आया है, ये लो और ख़तरनाक, और ख़तरनाक है। बाबा 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 बाबा, और सिंगल, ऊपर से सिंगल रूट है, क्या हो गया भैयो। पतो नहीं मेरो कैमरो कैसे रिकॉर्ड कर रही हो, लेकिन मैं तो सीधा जा रही हूँ। ये क्या जंगल है भाई, जंगल भी है और नीचे पानी भी है और केनाल भी है और हम फंसे हुए हैं। हमारे चलो हमारे सामने बाइक वाला बंदा है ऑलरेडी, तो हमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। क्या बोलते हो, डर तो लगता है ना भाई, बंदा तेलंगाना का है और मध्य प्रदेश के जंगल में घूम रहा है तो आप क्या बोलेंगे। ये देखो ये गाड़ी MH की है, MH महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र करीब है। लोकेशन तो अच्छे हैं, देखो क्या लोकेशन है भाई। अच्छा तो हम पहाड़ चढ़ के बाहर आए हैं, पहाड़ चढ़ के यानी पहाड़ में से उतर के इधर निकले हैं ना, तो ये MP महाराष्ट्र बॉर्डर है वो, वहाँ पीछे ही बोर्ड लगा हुआ है। देखो ऐसे छोटे छोटे गांव में से मेरे को लेकर जा रहा है गूगल, और एक गांव आ गया छोटा वाला, कौन सा वाला है कि क्या है ये। मेरे ख्याल से कोई ऐसा राइडर होगा जो इस रोड पे आया होगा, होगा कोई कोई राइडर नहीं हो सकता भाई ऐसे खतरनाक वाले रोड पे आने वाला। राइडर लोग सीधा हाईवे ढूंढते हैं, हाईवे। तो भैया स्वागत है आपका छोपड़ा में, महाराष्ट्र की पहाड़ी वहाड़ी सब क्रॉस करके मौजूद हूँ छोपड़ा महाराष्ट्र। अभी यहाँ पर नाश्ता करेंगे, हालत पूरी ख़राब हो गई पहाड़ी से गुजरते गुजरते, हाथ भी दर्द हो गया यार। अभी यहाँ पर देखो लिया हूँ नाश्ता, नाश्ते में है पोहा और पेट्रोल भी डला दिया हूँ यहाँ पर 500 का। तो भैया चोपड़ा से हम निकल रहे हैं अभी, चोपड़ा से हमको जाना है, यहाँ से और 500 किलोमीटर की दूरी है तेलंगाना पहुँचने के लिए। 500 किलोमीटर बोले तो 6-7 घंटे लग जाएंगे। किधर गया लोकेशन नहीं नज़र आ रहा है मेरे को, फिर रोकना पड़ेगा ये गलियों में से, कुचोरों में से निकाल के जो है मेरे को फिर से हाईवे पे ला लिया है लोकेशन ने।
मैं एक अजीब राइडर हूँ यार। एक मोबाइल से जो है लोकेशन भी चला रहा हूँ, एक ही मोबाइल से शूट भी कर रहा हूँ, है ना। अजीब राइडर हूँ, मेरे जैसा राइडर कोई होगा ही नहीं। जो भी राइडर निकलेगा ना, वो दो दो फ़ोन लेकर के निकलेगा, या फिर गोप्रो एक फ़ोन लेकर के निकलेगा। सावधान, कसा है हो भाऊ तुम्ही, मी महाराष्ट्र मधी आले की हो, स्वागत करा हो हमसे। क्या स्वागत करते यार, मेरी वाटोला हो गई है। रतलाम से कंटिन्यू मार रहा हूँ अभी मैं गाड़ी, रतलाम से बिल्कुल सीधे सीधे चला रहा हूँ अभी, महाराष्ट्र में इंटर हुआ हूँ। मेरे यार 3 बोतल नुकसान हुए मालूम है, 60 रुपये का नुकसान हो गया मेरा। ऐसे कैसे, देखो यहाँ पर जो बोतल रखा हूँ ना मैं, ये बोतल उड़ के जो है ना, 3 बोतल ऐसे गिर गए मेरे, मैं देखा ही नहीं क्योंकि सामने नज़र होती है। जब भी स्पीड ब्रेकर वगैरह आएंगे ना, वहाँ पर बोतल गिर जाता है। अब बैग तो पीछे बांधा भी नहीं मैं, साइड में लगा दिया क्योंकि कंबल निकाल के जो है इस पर लगा लिया हूँ सीट के ऊपर, नरम नरम होने के लिए। अभी यहाँ से सीधा जाना है। चाचा से लोकेशन पूछा तो चाचा सीधा मेरे को औरंगाबाद का बता दिए यार। बोलते हैं औरंगाबाद चले जाओ, औरंगाबाद से फिर भीड़, वो समझे भीड़। मेरे को जाना है नांदेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ से फिर सीधा तेलंगाना, तेलंगाना निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट ताड़बिलोली विलेज। मिलते हैं भैया आगे जाके, आगे का क्या हिसाब किताब है पता नहीं, लोकेशन कहाँ कहाँ और हमको भटकाएगा। खतरनाक रोड पे आ गए भाई। तो भाई अभी मैं हूँ जलगांव के पास, महाराष्ट्र जलगांव। यहाँ पर एक खूबसूरत नजारा आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है नदी। अब यह कौन सी नदी है नहीं मालूम, कितनी अंदर है देख सकते हो, कितनी डोंगा नहीं है, और ब्रिज कितनी हाइट पे है। ये साइड देखो, कहीं यही तो नहीं है गंगा नदी जो आ रही है हमारे साइड तेलंगाना में। यहाँ पर भी रेती का मांडोला चल रहा है। बहुत अंदर को है, बहुत अंदर को है नदी। चलिए भैया, अच्छा है नज़ारा देखने को, बहुत ऊंचाई पे ब्रिज है। तो भाई लोग आखिरकार हम पहुंच गए हैं नांदेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र। बड़ी मुश्किलों से, मुसीबतों से जो है मैं नांदेड़ को पहुंचा हूं। क्योंकि आपको बताऊं तो बताता हूं, थोड़ा ये ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, ट्रैफिक 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 बहुत है इधर। इधर जाने का है कि नहीं है, सबसे ज्यादा खराब को रोड मिली तो वो भी महाराष्ट्र में। और जो मेरे को रोड भटकाया है ना, वो है गूगल। गूगल की वजह से मैं तकरीबन जो है ना 2 घंटे से ज़्यादा रोड भटक, 2-3 घंटे से ज़्यादा रोड भटक गया हूँ। दो तीन घंटे से ज़्यादा मैं रोड भटक के जो है ना, बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। मैं ऐसे तैसे कैसे की करके जो है निकाल, गाड़ी तो निकाल के लाया हूँ, वही लोकेशन पे ही लाया हूँ गूगल वाले। लेकिन मेरे को गूगल लोकेशन जो है नांदेड़ क्या औरंगाबाद वाला रोड दे दिया। औरंगाबाद वाला रोड से फिर परभनी वाला रोड दे दिया। लेकिन भाई पूरा जो है ना गांव में से, खड्डों में से, पता नहीं कौन से मैं रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन बहुत मुश्किल से जो है मैं पहुंच गया हूँ नांदेड़। तो पहुंच गया, खैर चलो अभी यहाँ से तकरीबन
यहाँ नांदेड़ से तकरीबन और एक दो अढ़े घंटे फिर गाड़ी चलाना पड़ेगा मेरे को, फिर जाके जो है मैं पहुँच जाऊँगा हमारा विलेज ताड़बिलोली। अभी फ़िलहाल देखो यहाँ पर ही हूँ, नांदेड़ में ही हूँ, मार्केट आया था थोड़ा सा, यानी कि मार्केट के तरफ से ही आती है रोड, वहीं से फिर थोड़ा रुक गया, उसके बाद फिर अभी जा रहा हूँ सीधा सीधा बेगलूर नाका, वहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, चाय वगैरह पीनेंगे, उसके बाद जो है फिर हम निकलेंगे इधर से भाई सीधा सीधा विलेज की तरफ। चैन फिर से आवाज़ कर रही है यार, सबसे ज़्यादा परेशानी ये चैन की हो रही है पल्सर गाड़ी को। अरे भाई देखन, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के 5 बजे निकला था, रात के 11 बज रहे घर पहुंचने तक। कितना किलोमीटर है आपको स्क्रीनशॉट मार के बताऊंगा। बहुत परेशान किया रोड ने, बहुत रतलाम से समझो घर तक का सफ़र बहुत डेंजर, टफ था अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ। देखो हालत देखो, अभी तक कपड़े भी नहीं निकाला हूँ, जूते भी नहीं निकाला हूँ, देख रहे हो, ये देखो गाड़ी। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, मा सलामा, अल्लाह हाफिज़। सॉरी मैं इंस्टाग्राम में बोला नहीं मैं आ रहा हूँ बोल के।